हेलो स्टूडेंट्स। सो आई सर का फाइनली आज फोर्थ अलॉटमेंट या फिर आप इसे लास्ट अलॉटमेंट बोल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी होप भी लॉस्ट कर दी होगी कि यार ये क्या हो गया, इतना मतलब डिसेंट जो आया है। ओके, एंड जस्ट जो रिजल्ट आया है एटलीस्ट 99% बच्चों को कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ओके, देन कुछ रैंक भी आई है। ठीक है, आई थिंक कि सबसे ज्यादा चेंजेस अभी आया है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो पहला जो फर्स्ट राउंड था जस्ट 800, देन सेकंड में 1400, ओके, देन ये 1300, ओके 1600, ठीक है 1300 से डायरेक्ट 1600 हुआ था थर्ड के अंदर। ओके, देन अभी फोर्थ में डायरेक्ट 400 का चेंजेस आया। जनरल में आप देख सकते हो 1600 टू 2300 कुछ का चेंजेस आया है। ओके, ओबीसी के अंदर भी इतना ही मान सकते हो, जैसे 3700 से डायरेक्ट 4200 हो गया। ठीक है, 400 500 का चेंजेस यहाँ पे आया, ऐसा ही यहाँ पे है। एसटी में भी सेम कंडीशन आप देख सकते हो, 1000 का चेंजेस है। ईडब्ल्यूएस में पहले 5455 था, अभी 6385 हो गया। ओके, पीडब्ल्यूडी में कोई भी चेंजेस नहीं आया इसका मतलब बच्चों ने। लेकिन हाँ, यहाँ पे यार कश्मीरी माइग्रेंट्स वाले जो बच्चे थे इनके बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे भैया। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे मेरे पास जिनके एटलीस्ट 4000 रैंक थी, 4500 रैंक थी, 4200, 4300, 4400। वो बच्चे ये टारगेट कर रहे थे कि यार ये डायरेक्ट जैसे 2500 से 3400 हुआ है तो डायरेक्टली 3400 से इस बार 4200 4300 तो हो जाएगा, तो अपने को आसानी से मिल जाएगा। तो यार जैसे कि पहले अपने सीटें भी चेक की थी। ओके, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आई सर पे जाके सीट्स भी चेक कर सकते हो। ओके, कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स बची है, ओके कितनी कितनी फिल हो गई। तो जिन बच्चों को सीट नहीं अलॉट हुई है, रैंक बहुत ज़्यादा है, ओके तो वो जस्ट स्पोर्ट राउंड के अंदर उनको कुछ मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जस्ट यार वही ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो राउंड थर्ड का ही है। ओके, देन अभी तक तो कोई अपडेटेशन शायद नहीं किया गया इनकी तरफ से। तो ये अभी जस्ट नाइट को रिलीज हुआ है। ओके, अभी तक इन लोगों ने अपनी जो लिस्ट है रिलीज नहीं की है। ओके, एंड टुडे मिड एंड तक ये शायद रिलीज कर देंगे। ओके यार, तो ये थोड़ा सा कश्मीरी माइग्रेंट्स वाले बच्चों को इश्यू आ रहा था, और तो सभी नॉर्मली चल रहा है। और ये जिन बच्चों की रैंक एटलीस्ट 8000 तक है उनको स्पोर्ट राउंड में कुछ मिलने के चांसेस हैं। ओके, वैसे अगर अपन बात करें सीटों की तो यार ज्यादा सीटें वैसे है नहीं। ओके, तो जो बच्चे सोच रहे कि स्पोर्ट राउंड में अपने को कोलकाता मोहाली पुणे मिल जाएगा, तो यार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो मोहाली का तो बच्चे बिल्कुल भी ना सोचे, मोहाली में तो 1% भी नहीं हो सकता, 0% है। अगर कोई बच्चा सीट छोड़ता है तो वो कुछ बनता है। यार बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे मेरे पास, बहुत सारे बच्चों ने कांटेक्ट किया जिनके 160 मार्क्स थे, 161, 159, 150 की। भैया हमने जो है आयसर तिरुपति सेलेक्ट कर दिया, पहले हमने आयसर बेरहमपुर सेलेक्ट कर दिया, क्या हमें आयसर पुणे मिल सकता है, क्या जस्ट आयसर मोहाली या आयसर कोलकाता मिल सकता है, इसके कोई चांसेस है। ओके, और बहुत सारे बच्चे ये भी क्वारी कर रहे हैं कि भैया क्या हम स्पोर्ट राउंड में कैसे रजिस्टर करेंगे, किस प्रकार से ट्राई करेंगे, क्या हमको इंडिविजुअल रजिस्टर करना पड़ेगा, क्या अपने हमने जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है क्या उसी से हो जाएगा हमारा काम। तो जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे क्वारी कर रहे थे। ओके, तो इसके लिए जस्ट यार आप जो आयसर की वेबसाइट है इस पे एक बार विजिट करते रहे। ओके, icer.in है के, तो जो भी स्पोर्ट वगैरह की अगर सीटें वगैरह वैकेंट रहती है तो ये लोग नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। ओके, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि डायरेक्टली आपको ईमेल भेजा जाएगा, ऐसा भेजा जाएगा। ठीक है, ईमेल वगैरह भी आएगा और जो वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है जैसे नॉर्मली इंफॉर्मेशन रह रही है। ठीक है, तो जस्ट आप वेबसाइट का ही रखिए यार, ऐसा
कोई इश्यू ना हो कि हमने ईमेल नहीं आया तो हम वेबसाइट वगैरह चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ईमेल पर आप स्पेम फोल्डर वगैरह भी बहुत सारा इश्यू होता है, तो स्पेम फोल्डर है अपना, प्रमोशन टेप है, ओके, तो वो सारा सब कुछ चेक करते रहे यार। ईमेल इज नॉट गुड, ठीक है। तो यार वहाँ पे ईमेल कभी आता है कभी नहीं आता, तो जस्ट वेबसाइट वगैरह पर जरूर चेक करते रहे, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, ओके। और जस्ट कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो जस्ट वो आपको डालते रहते हैं वीडियोस वगैरह, ठीक है, तो जस्ट देखते रहे रिगार्डिंग एडमिशन के यार। मतलब इसके अंदर अगर आप चूक जाते हैं तो जस्ट इट्स लॉस योर 1 ईयर, ठीक है, तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें, ओके। और जिन बच्चों को कोई सीट नहीं मिला और एटलीस्ट 7,500 या 8,000 तक जिन बच्चों का रैंक है, तो वो स्पोर्ट राउंड के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें यार। अभी अगर अपन बात करें जनरल कैटेगरी की रैंक, तो देख सकते हो अभी तो एटलीस्ट 2,000 क्रॉस हुआ है, ठीक है, 2,000 से ऊपर तो कुछ गया ही नहीं है। ओबीसी की अगर अपन बात करें तो 4,200 4,300 पे अटका हुआ है, एससी कैटेगरी 9,000 कुछ अटका हुआ है, और एसटी तो इसके ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते, ईडब्ल्यूएस के बहुत ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो ईडब्ल्यूएस की आप कंडीशन देख सकते हो 6,300 पे अटका हुआ है, ओके। एंड पीडब्ल्यूडी 20,000 है, कश्मीरी माइग्रेंट्स का बहुत ज्यादा मतलब ये इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हाँ मतलब एक आयसर में एटलीस्ट 2-3 सीट होती है, तो कोई बात नहीं। आयसर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स बच्चे हैं उनका जो भी ओपन वगैरह में कुछ हो सकता है, ठीक है, तो स्पोर्ट राउंड के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि आप स्पोर्ट राउंड के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें, यह ना हो बाद में आपको पछताना पड़े कि यार स्पोर्ट राउंड के अंदर अपने को मिल जाता है, ठीक है, तो जस्ट ऐसा कोई इश्यू है, ओके। और जस्ट ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट वेबसाइट को विजिट करते रहे, नोटिफिकेशन वगैरह आप जस्ट चेक कर सकते हैं कि कितने सीट वैकेंट है, कितनी नहीं है, कितनी बढ़ चुकी है, ठीक है, थैंक यू।